हाँ बच्चों, तो लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आई के बारे में पढ़ रहे थे। नहीं, मैं आपको बताया आई स्क्वायर, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, आई पे पावर 4 की वैल्यू क्या होता है? +1 होता है। ये सब बातें मैं आपको बताया था, तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, आई पे पावर 4 क्या होता है? +1 होता है। आई क्यू क्या होता है? आई पे पावर 3 क्या होता है? -i होता है। 1/i क्या होता है? -i, वो भी होता है। तो सब बातों को सीधा याद रखा जाए तो थोड़ा आपको काम देगा। आई पे पावर कोई भी नंबर था, उस नंबर को हम लोग क्या कर रहे थे? 4 से डिवाइड कर रहे थे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच रहा था वही आई पे पावर कहला रहा था। यहाँ तक पढ़ चुके थे। तो ये अभी तक जो जानकारी मैं आपको दिया वो जानकारी सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी नंबर्स के बारे में थे, ठीक है। अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट नहीं हुआ था। अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको डील कर रहे थे? इमेजनरी नंबर को। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, कॉम्प्लेक्स नंबर, सही है। हम लोग हेडिंग क्या डालते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नाम से ही पता लग रहा होगा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब दो चीज मिले हों। कॉम्प्लेक्स मतलब दो चीज क्या हो? मिले हो, दो चीज मिले हो, उसको क्या बोलते हो? कॉम्प्लेक्स। समझ आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप शरबत बनाते हो, शरबत समझ रहे हो ना, चीनी और पानी मिलाकर, शुगर और वाटर मिलाकर, तो उसको आप कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, सही है। दो चीजों का मिक्सअप है तो क्या बोलोगे उसको? कॉम्प्लेक्स। वो एक कॉम्प्लेक्स बना, सही है। जैसे केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते हैं शायद, ऐसा है ना। तो दो चीजों को मिलाने से जो चीज बनता है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। तो नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या थे? तो बोलूं कि अगर मैं अपने भाषा में बताऊं, मैं अपने भाषा में भी आपको बता दूंगा और किताब के भाषा में भी बता दूंगा, ठीक है। दोनों चीज बताता हूं, पहले अपने भाषा में लिखते हैं जिससे ज्यादा फीलिंग आए, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ है ना, ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। रियल एंड क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, सही है। क्या बोलोगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, क्लियर हो? ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, कैपिटल अक्षरों में लिखा हूं, समझिए। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। जब रियल नंबर जो जानते हो जिसके बारे में क्लास 10 तक पढ़ा गया था, उन नंबरों को और इमेजिनरी नंबरों को मिला दो, तो उनको मिलाने से एक नया टाइप का नंबर का फॉर्मेशन हुआ, दैट नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। उस नंबर को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर हो? सही है, क्या बोलते हैं उसको? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको किताब के भाषा में बोला जाए तो ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। कैसे? नंबर्स, नंबर्स विचार, सही है। और करके लिख लेना डिफिनेशन में, किताब में ऐसे लिखा जाता है, नंबर्स विचार। मैं समझा रहा हूं भी फिर से, रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, नंबर्स विचार रिटेन इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई वाई इज कॉल्ड इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे नंबर जिनको एक्स प्लस आई वाई के रूप में एक्सप्रेस कर पाएं, कैसे एक्सप्रेस कर पाएं? एक्स प्लस आई वाई के रूप में एक्सप्रेस कर पाएं, उन नंबरों को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं उनको? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बच्चा नया जन्म लिया था, है ना, तो बच्चा का कुछ तो नामकरण होना चाहिए। नया कॉम्प्लेक्स आया था तो उसका कुछ नामकरण होना चाहिए। तो जनरली ऐसा कोई फंडा नहीं है, मैं है ना बकायदा लिख रहा हूँ। जनरली इट इज डिनोटेड बाई जेड। जनरली इट इज डिनोटेड बाई क्या? जेड। इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं? जेड से, सही है। क्या चीज डिनोट करते हैं इसको? जेड से। जेड से सिंबल है, नाम दे दिया गया कि भाई जेड मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, हम बोलेंगे, सही है। ऐसा कोई फंडा नहीं है कि सर जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता हो, ठीक है।
तो z क्या हो गया, z सिंबल हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x plus i y, और बोला गया x और y रियल नंबर थे, x और y क्या थे, रियल नंबर। अरे सर आप क्या कर रहे हो, दिमाग आपका तो खराब नहीं हो गया, आप x y को रियल दोनों बोल दिए, ये भी रियल बोल दिया, बोल रहे हो कॉम्प्लेक्स है, है? और डिफिनेशन में लिखे हो मिक्सअप ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, पागल हो गया, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, दिमाग को टटोलो। अरे भाई 4 क्या है, रियल नंबर है, अब 4i क्या है, इमेजिनरी नंबर है, तो भाई कोई रियल नंबर का अगर i लगा दो तो क्या बन जाएगा, वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा ना यार, बनेगा ना, सोचो ना। तो y क्या है, y सिर्फ, मैं इसके बारे में नहीं बोला भाई, मैं कंप्लीट के बारे में नहीं बोला हूं, मैं इसके बारे में सिर्फ बोल रहा हूं और इसके बारे में बोल रहा हूं, अगर i लगा दो तब तो इमेजिनरी हो ही जाएगा, सही है। x और y क्या है, रियल नंबर है, और y के आगे क्या ठोक दिए, i, तो क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर, क्या हो गया वो, इमेजिनरी नंबर। तो ये रियल नंबर था, सही है, और ये क्या था, ये था इमेजिनरी नंबर, क्लियर हो। तो यही रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिलके क्या बना दिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिले तो एक अलग टाइप का नंबर का फॉर्मेशन हुआ, दैट नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, उस नंबर को क्या बोला गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा सा पॉज कीजिए स्क्रीन को और समझ लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद अभी डिफिनेशन पे ही डिटेल बात करेंगे, लिख लीजिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। और बोल सकते हो नंबर विच आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ क्या, एक्स प्लस आई वाई, दोनों एक ही बात है, समझो है कि नहीं है। एक्स प्लस आई वाई मतलब क्या, एक्स क्या है, रियल नंबर है, और आई वाई क्या है, इमेजिनरी नंबर है, वाई है रियल नंबर, ठीक है, आई वाई नहीं, वाई रियल नंबर है, उसके आगे आई लगा दिए, आयोटा लगा दिए, आई मतलब आयोटा, ठीक है, तो क्या बन गया वो, इमेजिनरी नंबर बन गया। तो वैसे नंबर जिनको x प्लस आई वाई के रूप में एक्सप्रेस किया जाए, दैट नंबर आर कॉल्ड क्या, इमेजिनरी नंबर। वैसे नंबरों को क्या बोला गया, इमेजिनरी नंबर, क्लियर हो। तो भाई ठीक है, बच्चा जन्म लिया था नया नया बच्चा, है ना, तो जेड को लिखा गया x प्लस आई वाई, ये इसका क्या था। अब सुन लो, x क्या है, रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ढंग से समझे तो, और ये कंप्लीट क्या है, इमेजिनरी नंबर है, यही दोनों का मिलन हुआ, मिलन समारोह, जैसे तुम लोग करते हो मिलन समारोह कभी कभी, है ना, तो मिलन समारोह हुआ, सही है, किसका, रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का, तो मिलन समारोह हुआ तो एक नए टाइप का नंबर बना, दैट नंबर इज कॉल्ड क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे, समझ रहे हो, ठीक है, मुस्कुराते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो भाई रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिल गया तो सर ठीक है, सर कॉम्प्लेक्स नंबर बना, चलो आगे बात करो, है ना। अब आगे ये हुआ कि x और y के, तो आप जानते हैं x और y क्या थे, रियल नंबर थे, बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या होता है, सीखिए, x और y क्या है, रियल नंबर है, क्लियर हो, x और y क्या है, रियल नंबर है। यहाँ पे x इज कॉल्ड, x को बोला गया, x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, x को क्या बोला गया, रियल पार्ट ऑफ z, ये z का कौन सा बच्चा है, रियल बच्चा है। एंड y इज कॉल्ड, और y को बोला गया, एंड y इज कॉल्ड, y को जो बोला गया वो क्या बोला गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, y को क्या बोला गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, सही है। x को बोला गया रियल पार्ट ऑफ z, और y को बोला गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, सही है। अब सुनो मेरी बात, रियल पार्ट को ना, जो रियल पार्ट होता है, सही है, रियल पार्ट ऑफ z को फैशन के दौर में आपको डराने के लिए किताब वाले ऐसे लिखते हैं, आरिजेट बच्चा डर जा, भागो रे, ये क्या लिखा हुआ है, समझ आ रहा है, डराने के लिए ऐसे लिखते हैं किताब वाले, भागो, ठीक है, आरिजेट मतलब कुछ नहीं भाई, रियल पार्ट ऑफ z, है ना। तो रियल पार्ट ऑफ z कितना है, x है, सही है। और इमेजिनरी पार्ट को कैसे लिखते हैं पता है, ऐसे, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसको लिखते हैं आई एम z शॉर्ट में, और ये क्या है, y है, सर आई वाई है, नहीं, आई को छोड़कर, अरे आई तो लगा दियो, पता है इमेजिनरी नंबर है भाई,
आई वाई को कंप्लीट नहीं बोला जाएगा इमेजिनरी पार्ट, सिर्फ वाई इज द इमेजिनरी पार्ट, वाई इमेजिनरी नंबर नहीं है, वाई इज द इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का हिस्सा है, क्लियर हो? तो वाई इज कॉल्ड क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, क्लियर हो? उसको लिखा इस तरीके से जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो भाई जेड की वैल्यू क्या है, देखो बहुत छोटा सा बढ़िया सा एग्जाम्पल, जेड इज इक्वल टू क्या, 2+5 है। तो यहाँ पर रियल नंबर कौन है, रियल नंबर, ध्यान सुनना, रियल नंबर 2 है और इमेजिनरी नंबर कौन है, 5 है। लेकिन रियल पार्ट कौन है सर, रियल पार्ट ऑफ जेड तो 2 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है भाई, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है, ये 5 है, यही मतलब एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू कितना है, 5, सही है। रियल नंबर 2 है, इमेजिनरी नंबर 5 है, रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, 5 है, क्लियर हो? उसको x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या, 5, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो, है ना। चलिए जैसे कुछ और एग्जांपल समझते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल देखिए नमूने बच्चों। जैसे z की वैल्यू मान लो क्या है, -3+4 आई है, -3+ क्या है, 4 आई है। तो x, x मतलब क्या, रियल पार्ट ऑफ जेड बता दो यार कितना है यार, सर -3। चलो इमेजिनरी पार्ट ऑफ y बताओ यार, y मतलब समझ रहे हो क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यानी आई एम जेड, शॉर्ट में लिखेंगे, आई एम जेड कितना है यार, 4 है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इमेजिनरी पार्ट में आई नहीं लगाते हैं, ये बात ध्यान रहे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल और देखिए, है ना, जैसे जेड की वैल्यू मान लो कितना, 7+2 आई है, जेड की वैल्यू क्या है, 7-2 आई है, जेड की वैल्यू क्या है, 7-2 आई है। तो एक्स मतलब क्या, आर ई जेड कितना है भाई, 7 है, आर ई जेड कितना है, 7 है, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है भाई, 7 है, सही है, रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, 7 है। अच्छा वाई मतलब क्या, आई एम जेड मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है भाई, -2 है, समझ में आ रहा है, देख लो भाई कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ कुछ और एग्जांपल देखिए, छोटे छोटे एग्जांपल सर, ऐसा एग्जांपल कहाँ है दे रहे हो सर, ये सब तो हम लोग जानते हैं सर, है ना, -5, तो भी देख लो भाई, -5i+3, तो रियल पार्ट कितना है भाई, -5, गधे हो क्या, आई वाले को पीछे लिखो, ठीक है, आई वाले को कहाँ लिखेंगे, पीछे। तो जेड की वैल्यू क्या लिखा जाएगा, 3-5i, हाँ। तो एक्स की वैल्यू कितना, 3, और वाई की वैल्यू कितना, -5, यानी रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, 3 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है, -5 है, क्लियर हो? कुछ और एग्जांपल देख लीजिए भैया, है ना, जैसे जेड की वैल्यू मान लो क्या है, जेड की वैल्यू मान लो 2i है, या फिर जेड की वैल्यू 1+i ले लो पहले, है ना, समझने के लिए छोटा छोटा एग्जांपल है, है ना, जेड की वैल्यू ऐसा लेते हैं कुछ 2+i है, जेड की वैल्यू क्या है, 2+i। चलो बताओ एक्स कितना है, 2 है, और वाई कितना है, कुछ नहीं आ गया, तो कितना इंटू 1 है, हाँ सर ठीक तो है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। कुछ और देखिए एग्जांपल, है ना, जेड की वैल्यू 1+3i है, या 1-3i है, या 1-i लिख लो सीधा, है ना, 1-i है। तो एक्स की वैल्यू कितना, वाई, और वाई की वैल्यू कितना, -1, ठीक है सर। ये तो बहुत छोटा छोटा एग्जांपल दे रहे हो सर, चिल्लर चिल्लर, क्या करोगे, बेसिक बनाने के लिए थोड़ा है ना मेहनत करना पड़ता है। जैसे जेड की वैल्यू मान लो क्या है, 2i है, जेड की वैल्यू क्या है, 2i है, रियल पार्ट कहाँ है, नहीं है सर, क्या ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, है कॉम्प्लेक्स भाई, देखो ढंग से, ये 0+ क्या है, 2i है। तो एक्स की वैल्यू कितना हो गया, 0, और वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर हो? एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कितना, 2 हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे जेड की वैल्यू मान लो क्या है, -i है, तो एक्स की वैल्यू कितना है भाई, 0, और वाई की वैल्यू कितना है, -1 है, ठीक है, समझ में आ रहा है, देख लो भाई अच्छे तरीके से। कुछ और एग्जांपल दे दूं क्या, चलो कुछ और छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में बढ़िया आए, ठीक है, देख लीजिए। तो ये सब किसका एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर का, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है सर, सब बढ़िया, मजे मजे में है सर, आगे बताओ, सब बढ़िया समझ में आ रहा है अभी तक, है ना, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या देखें सर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, क्लियर हो? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला दिया जाए तो उससे किसका फॉर्मेशन होता है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्लियर हो? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सिंबल क्या यूज किया जाता है, जेड, जनरली इसके लिए जेड, जेड को मैं बीच में काट देता हूँ भाई ना, ताकि 2 से मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, आप भी लिखेंगे आदत तो वैसा ही बनाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा जैसा किताब में लिखा जाता है, ठीक है, है ना, ताकि आदमी को 2 और जेड में क्लियर कट समझ में आए कि जेड कौन है और 2 कौन है, सही है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, स्क्रीन को पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ और छोटे छोटे एग्जांपल्स देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। कोई 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चैप्टर कोई टफ चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ 12th के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खतरनाक चैप्टर है भाई, ठीक है, मैं कॉम्पिटेटिव सेक्शन अलग से कवर करूँगा, आप चिंता मत करना, ठीक है।
डिमोवर्स थ्योरम और ज्योमेट्री वगैरह सब आते हैं इसमें, मज़ेदार हो जाता है उसके बाद। अभी तो फिलहाल आपको लगेगा ये तो यार लूज चैप्टर है यार, ये तो सिर्फ समझ में हो गया यार, हाई इलेवेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, सही बात है ठीक है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही में बहुत खतरनाक चैप्टर, मतलब इससे ज़्यादा कोई खतरनाक मान के चलो कि इलेवन ट्वेल्थ के टॉपिक में नहीं माना जाएगा ठीक है, सबसे खतरनाक यही होगा, सही है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं भैया, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स। ठीक है सर बताओ आगे, जेड की वैल्यू 2, क्या ये कॉम्प्लेक्स है? है सर। कैसे सर? जेड की वैल्यू लिखूंगा 2 प्लस 0 आई लिखूंगा तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 और वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा 0, सही है। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए, जेड की वैल्यू -5 क्या है, एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स की वैल्यू -5 है और वाई की वैल्यू कितना है 0 है, सही है। तो आपको मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं जा रहा होगा, इसको लिख लीजिए स्क्रीन पॉज करके ठीक है। अपन फिर आगे दूसरे हेडिंग पे आते हैं ठीक है, लिख लो। अब क्या हम लोग कुछ पढ़ते हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या पढ़ते हैं? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा मतलब क्या होता है भाई? अलजेब्रा मतलब चीज़ों का एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये पढ़ते हैं ना। तो आप हेडिंग क्या डालोगे सर? हेडिंग डालो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या? अलजेब्रा, सही है। तो अलजेब्रा में सबसे पहली बात अपन क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर, दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या? एडिशन, सही है। तो पहला हेडिंग क्या रहेगा, क्या रहेगा? एडिशन ऑफ, है ना, टू और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर, दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या? एडिशन, सही है। दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या? एडिशन, सही है। एडिशन ऑफ टू और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने क्या किया? दो कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम किया, लेट जेड वन इजिकल्स टू क्या? एक्स वन प्लस क्या? आई वाई वन, एंड जेड टू इजिकल्स टू क्या एज्यूम किया? एक्स टू प्लस क्या? आई वाई टू। दो कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम किया, कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से लिखे जाते हैं, हमें इनको क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है, यानी जेड वन प्लस जेड टू। तो ऐड तो करते बचपन से आ रहे हो? हाँ सर, ऐड बचपन से करते आ रहा हूँ, आगे बताओ आप। तो कर दो ना ऐड, मना कौन किया है, है ना, सही है। जाति वाले, जाति वाले से ही ऐड होंगे, बेजाति वाले, बेजाति वाले से ही ऐड होंगे। जो सेम जाति वाले हैं, रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, यहाँ पे x1 रियल पार्ट है, यहाँ पे क्या है? x2 रियल पार्ट है। तो इसको क्या लिखोगे? x1 प्लस क्या? x2, और i वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे, i इंटू क्या? y1 प्लस क्या? y2, सही है। देख लो किताब वाले ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे देख रही ऐसे, रियल पार्ट ऑफ जेड वन प्लस क्या, बच्चा डर जाए, बेहोश हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड टू, है ना, प्लस आई इंटू, ऐसे लिखेंगे, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वन प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ क्या? जेड टू। जो गधा आइटम रहेगा वो सही में डर जाएगा, सही है। वही चीज़ लिखा हुआ है भाई, इसका जेड वन का रियल पार्ट और जेड टू का रियल पार्ट जुड़ा हुआ, आई है बाहर में, ये जेड वन का इमेजनरी पार्ट है, जेड टू का इमेजनरी पार्ट है। हाँ सर, सही बोल रहे हो। अच्छा, इसी में एक चीज़ और देख रहे थे ना यार, अरे एडिशन वही है जो 7-6 में, मतलब हेडिंग है अपना, आप पढ़ ले रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, है ना, फालतू बेफालतू की चीज़ें हैं। अगर माइनस करना हो तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस, इसके आगे माइनस लगेगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी क्या? माइनस, माइनस भी कर लिए, ठीक है, समझ आया है। जैसे देखो, मान लो कि आपको माइनस 3 प्लस 2 आई और 5 प्लस 3 आई को ऐड करने के लिए दिया गया, तो माइनस 3 और 5 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा, 2 आई और 3 आई कितना आ जाएगा? 5 आई, यही, ये तो जानते थे सर हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखो, फॉर एग्जाम्पल में देखो, माइनस 5 प्लस 2 आई, है ना, 3 माइनस 4 आई, ठीक है सर, आगे बताओ। तो माइनस 5 प्लस 2 आई, वो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? प्लस 4 आई हो जाएगा। माइनस 5 और माइनस 3 कितना था? माइनस 8 और प्लस क्या? 6 आई। ये ही था सर, ये तो हम लोग भी पढ़ सकते थे, काहे पढ़ा रहे हो? मैं बोला ना, आपका हेडिंग है पढ़ने को, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो एडिशन में कोई दिक्कत नहीं जाएगा, अभी क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे भी बराबर करते रहो एडिशन वगैरह, ठीक है। दूसरा हेडिंग डालें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सही है, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं?
जैसे मान लो कि हमने फिर वही काम किया, क्या किया हमने, सर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम किया, ठीक है। पहला क्या, लेट जेड वन इजिकल्स टू क्या एक्स वन प्लस क्या आई वाई वन, एंड जेड टू इजिकल्स टू क्या एक्स टू प्लस क्या आई वाई टू। हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम किया जेड वन और क्या जेड टू। हमारा ड्यूटी क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो ठीक है ना सर, कर लेंगे मल्टीप्लाई, जेड वन इंटू जेड टू करना है। हाँ भाई, तो जेड वन इंटू जेड टू कैसे हो जाएगा भाई, एक्स वन प्लस आई वाई वन और क्या एक्स टू प्लस क्या आई वाई टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हाँ सर मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई जैसे करते थे सेवन एट क्लास में करो वैसे। तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स वन एक्स टू, फिर इसका लास्ट वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा आई एक्स वन वाई टू, सही है देखो, सही है देखो। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा आई एक्स टू वाई वन, सही है देखो। और फिर लास्ट वाले का लास्ट वाले से हो जाएगा, तो आई इंटू आई कितना हो जाएगा आई स्क्वायर और क्या वाई वन वाई टू, सही है देख लो भाई देख लो समझ लो। अच्छा बच्चा तू तो पढ़ते आ रहा है रे, आई स्क्वायर का वैल्यू तो कितना पढ़ा माइनस वन, तो यहाँ लग जाएगा माइनस, तो एक्स वन एक्स टू और माइनस क्या हो जाएगा वाई वन वाई टू, फर्स्ट और लास्ट को एक साथ लिखा और ये दोनों में क्या कॉमन रे आई, क्या लिख दोगे एक्स वन वाई टू प्लस क्या एक्स टू वाई वन। इसको याद नहीं करना भाई, याद नहीं करना है, मेरी बात को समझो, आप मल्टीप्लाई करने के लिए जानते हो उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, सही है। देख लीजिए समझ लीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए लिख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग एडिशन देखें, एडिशन नॉर्मल एडिशन होता है जैसे आप एडिशन करते आए हो बचपन से, उसी तरीके से एडिशन करना है आपको, एडिशन कोई बड़ा खेल नहीं है। हाँ सर सही बात है, रियल वाले को रियल वाले से टिका देना और इमेजनरी वाले को इमेजनरी वाले से टिका देना, क्लियर हो। एडिशन के बाद हम लोग क्या देखें, एडिशन के बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखें, क्या देखें हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन सिंपल नॉर्मल जैसे करते हो मल्टीप्लाई, सिक्स सेवन क्लास में जैसे करते आ रहे थे वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, बस लास्ट में क्या किया आई स्क्वायर के वैल्यू कितना लिख दिया माइनस वन लिख दिया, वो भी कोई बड़ा खेल नहीं है, सही है। तो इसमें कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं और चीज़ को समझ लेते हैं, थोड़ा फील ज़्यादा आएगा एग्जाम्पल साथ में करते चलेंगे तो, और उसके बाद बुक सॉल्व करेंगे या फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आप क्लास इलेवेंथ में हैं सबसे पहली बात, और बिल्कुल नया नया पहुँचे हैं इलेवेंथ में, तो किसी कहने पर मत जाइए, मेरा एक बात मानिए, पहले आप आसान किताब बनाएँ, ठीक है, आर डी शर्मा की बुक स्टार्टिंग में बनाए तो चीज़ें आपको फील आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। के सी सिन्हा का भी बुक आता है, उसको भी बना सकते हो, तो फीलिंग अच्छी आएगी। उसके बाद अगर आपसे अच्छा बनना शुरू हो जाए तो फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बुक अपन सोल्व करेंगे, ठीक है, है ना। ऐसा नहीं कि कोई तड़प चढ़ा दिया बेटा तू आई आई टी की तैयारी करेगा, हाँ भाई अरे आर डी शर्मा तो आई आई टी के लिए तो किताब बनाई नहीं है रे, अब नहीं बनाया तो पागल हो गया, तो बच्चा क्या फ्रस्ट्रेट हो जाता है, नहीं अपन तो आर डी शर्मा सोल्व कर रहे हैं यार। अरे भाई स्टार्टिंग में बेसिक सीखने के लिए आपको पहले छोटे छोटे किताब करने पड़ेंगे, ठीक है, तब बड़े किताबों को टिकाओ, है ना। चलिए अपन और आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन में ये सोल्व है ना, टू प्लस थ्री आई और माइनस थ्री प्लस फोर आई, इसको सिंप्लीफाई करना है ना, कितना आएगा टू प्लस थ्री आई इंटू माइनस थ्री प्लस क्या फोर आई, सही है सही है। अब कैसे सोल्व करोगे भाई, जानते सर सिंपल फंडा लगाते हैं, टू इंटू माइनस थ्री कितना होगा भाई माइनस सिक्स, और टू इंटू फोर आई कितना हो जाएगा भाई एट आई, और ये दोनों इंटू होगा कितना हो जाएगा भाई माइनस नाइन आई, और लास्ट लास्ट इंटू होगा कितना हो जाएगा ट्वेल्व आई स्क्वायर। मैं तो इतना भाव भी नहीं देता हूँ, सीधा लिख देता हूँ, आप भी सीखो। तो यहाँ आ जाएगा माइनस ट्वेल्व, बिकॉज आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है माइनस वन होता है, तो माइनस सिक्स और माइनस ट्वेल्व एक साथ लिखेंगे, है ना, एट आई और माइनस नाइन आई कितना हो जाएगा भाई माइनस आई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस एट्टीन माइनस आई, है ना। इसका रियल पार्ट कितना होगा माइनस एट्टीन और इमेजनरी पार्ट कितना हो गया माइनस वन, है ना। जैसे देखिए कुछ और क्वेश्चन है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन, माइनस थ्री प्लस फोर आई माइनस फाइव प्लस सिक्स आई, माइनस थ्री प्लस फोर आई इंटू क्या माइनस फाइव प्लस क्या सिक्स आई, तो ये कितना हो जाएगा रे ये हो जाएगा प्लस फिफ्टीन, सही है। और फर्स्ट वाला और लास्ट वाला इंटू होगा कितना हो जाएगा माइनस एट्टीन आई, सही है। सिंपल मल्टीप्लाई जैसे करते हो वैसे ही कर रहे हैं, माइनस ट्वेंटी आई और ये कितना हो जाएगा प्लस ट्वेंटी फोर आई स्क्वायर, सही है। अब ये ट्वेंटी फोर आई स्क्वायर मतलब क्या माइनस ट्वेंटी फोर, तो फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी फोर सीधा सोल्व करो दोनों को कितना जाएगा माइनस नाइन, और ये क्या आ जाएगा माइनस थर्टी एट आई, क्लियर हो। हाँ सर अब समझ में आ रहा है, कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए है ना, टू प्लस आई टू प्लस थ्री आई इंटू क्या टू माइनस थ्री आई, तो यहाँ लगा दो कौन सा
आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, टू स्क्वायर माइनस क्या थ्री आई का स्क्वायर, टू स्क्वायर कितना होता है बच्चा फोर सही है, और थ्री आई स्क्वायर मतलब कितना नाइन आई स्क्वायर ना, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस वन, तो फोर प्लस नाइन कितना जाएगा थर्टीन सही है, कोई दिक्कत आइडेंटिटी लगा सकते हैं सर, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, है ना, जैसे एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस क्या आई वाई सही है, x प्लस आई वाई इंटू क्या x माइनस आई वाई इसको इंटू करना है तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर होगा, आई वाई पे कंप्लीट स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर है ना सही है, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो यहाँ क्या जाएगा प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर, सीधा इसको याद रखना फायदे में रहोगे, कैसे कि सर x प्लस आई वाई इंटू क्या x माइनस आई वाई, अगर सीधा याद हो रखोगे थोड़ा आपका स्टेप बचेगा, और क्या एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है वाई स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे कोई पूछ दे कि थ्री प्लस टू आई और थ्री माइनस टू आई, ये क्वेश्चन किया था क्या नहीं दूसरा था थ्री माइनस टू आई सही है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस है ना वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा थ्री स्क्वायर प्लस क्या टू स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा थर्टीन आ जाएगा सही है, देख लो भाई कोई दिक्कत नहीं जाएगा मेरे ख्याल से, जैसे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं भाई है ना, बोर कर रहे हो सर आप, नहीं भाई देख लो टू प्लस थ्री आई का होल स्क्वायर इंटू वन प्लस आई इसको सॉल्व करना है, होगा सॉल्व हाँ सर हो जाएगा सर, कैसे भैया, तो पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, लगा सकते हैं कहीं भी छुटके लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी क्या फोर प्लस बी स्क्वायर यानी क्या नाइन आई स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू टू जा फोर थ्री जा ट्वेल्व आई इंटू वन प्लस क्या आई सही है, देख लीजिए भैया अब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस वन, तो फोर माइनस नाइन कितना हो जाएगा माइनस फाइव, और प्लस कितना ट्वेल्व आई इंटू कितना हो जाएगा वन प्लस आई यही ना, देख लो भाई अब वो दोनों को इंटू करना है भाई कितना हो जाएगा माइनस फाइव और क्या माइनस फाइव फाइव प्लस क्या ट्वेल्व आई, और लास्ट लास्ट इंटू होगा तो कितना हो जाएगा ट्वेल्व आई स्क्वायर, तो माइनस फाइव और माइनस ट्वेल्व हो जाएगा माइनस सेवनटीन, और ये कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा सेवन आई, देख लो कोई समस्या नहीं जाना चाहिए, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे यार आपको, ठीक है डरना मत, ठीक है कुछ और देख लो, जैसे ये है वन प्लस आई पे होल स्क्वायर सही है, वन प्लस आई पे होल स्क्वायर ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा वन प्लस आई स्क्वायर प्लस क्या टू आई, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है भाई माइनस वन, तो ये कितना आ जाएगा खत्म हो जाएगा, तो वन प्लस आई का होल स्क्वायर कितना होता है टू आई, इसको थोड़ा ध्यान रखना, क्यों सर मैं बोला ना ध्यान रखना कि वन प्लस आई का होल स्क्वायर कितना होता है टू आई होता है, मैंने भी सोच सकते हो ठीक है, जैसे कुछ मैं आपके लिए एग्जाम्पल छोड़ दूँ तो माइनस थ्री प्लस फोर आई है ना इंटू माइनस टू, जो लिखने का इच्छा कर रहा है लिख लो ठीक है, कुछ और देख लो जो आप घर पे जाना प्रैक्टिस कर लेना, कोई बड़ा खास बात तो है नहीं है ना, लेकिन तो भी आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ है ना, माइनस फाइव प्लस टू आई माइनस थ्री प्लस सेवन आई सही है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कुछ और देख लो है ना, जैसे टू प्लस फाइव आई का होल स्क्वायर इंटू थ्री माइनस फोर आई सही है, जैसे थ्री माइनस टू आई का होल स्क्वायर इंटू वन माइनस टू आई, इनको सोल्व करना है सही है, सिंप्लीफाई कर लेना, पांच क्वेश्चन है छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो हम लोग इस तरीके से करते हैं मल्टीप्लाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्लियर हो, तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं जाना चाहिए ठीक है, देख लो भैया कोई समस्या नहीं, आप बाकी अभी क्वेश्चन करेंगे अपन है ना मल्टीप्लाई डिवाइड सब मिलाकर एक साथ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, देख लो उसको मिटा रहा हूँ ठीक है, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए आराम से कोई दिक्कत नहीं जाएगा ठीक है, यही मल्टीप्लाई है अभी तक चीज़ें वही है सही बात है, कोई नई बात आपको नहीं मिलेगी ठीक है, नई बात आगे जाकर अभी मिलेगा ठीक है, और इलेवेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले बोल दिया एक चैप्टर काफ़ी आसान है, ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर सॉरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर थोड़ा टफ, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, थोड़ा तो गलत बोल के मैं गलती कर दिया, और जेई में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक आध साल किसी साल तो पाँच छः क्वेश्चन पूछ लिए थे भाई शायद 2009 वगैरह में आई टी एडवांस में, सीधा इस चैप्टर से पाँच छः क्वेश्चन आए थे, फिर एक ट्वेल्थ का चैप्टर है डेफिनाइट इंटीग्रेशन है ना, उससे भी दो तीन साल पहले बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, क्लियर हो, मतलब डेफिनाइट से पाँच छः क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये सब चैप्टर से जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत आते हैं, एवरेज मान के चलिए कि आई टी एडवांस में तीन क्वेश्चन आएगा ठीक है, एक आसान रहेगा एक ऐसा रहेगा जो मीडियम टाइप के और अच्छे बच्चे ही सिर्फ बना सकते हैं, और एक ऐसा रहेगा जिसको जो टॉपर है वही बना सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन, समझ गए, कभी कभी टीचरों से भी नहीं हिलता है, तो
आप डरे नहीं, ऐसा नहीं कि आपको आईटी एडवांस क्रैक करने के लिए तीनों क्वेश्चन ही करना जरूरी है, ये गलत बात है। तो जैसे टॉपर डिसाइड करने के लिए क्वेश्चन तो कुछ अलग रखने पड़ेंगे ना भाई, तो एक आध क्वेश्चन दे देते हैं हम लोग, है ना। ऑन एवरेज ऐसा देखा गया है, ठीक है, ऑन एवरेज तीन क्वेश्चन मान के चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर से आएंगे ऐसा आईटी में, ठीक। और इलेवंथ पॉइंट ऑफ व्यू में बोल दिया चैप्टर काफ़ी आसान है, आपको मज़ा भी आएगा और आसान भी है, ठीक है। तो आगे हेडिंग डालते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या हेडिंग डालते हैं, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या डिवीजन, डिवीजन कैसे करते हैं भाई, सही है। तो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, ये भी आसान है, ठीक है। तो इतना आप डरोगे नहीं, ठीक है। डिवीजन में जैसे मान लिया जाए कि हमने कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, लेट जेड वन इजिकल्स टू एक्स वन प्लस आई वाई वन एंड जेड टू इजिकल्स टू एक्स टू प्लस क्या आई वाई टू, ये दोनों को डिवाइड करना है, क्या करना है दोनों को डिवाइड करना है, यानी अपने चाहिए जेड वन बाई जेड टू, ठीक है सर। एक्स वन प्लस क्या आई वाई वन डिवाइडेड बाई क्या एक्स टू प्लस आई वाई टू, सही है, कोई दिक्कत। अब देख लो भैया, कभी भी ये बात रट लेना, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में आई आए, कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में क्या है आई आए, तो आप रेशनलाइज करो आंख बंद करके, क्या सुने, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में क्या है आई आए, आंख बंद कर लो और क्या करो रेशनलाइज करो, सही है, रेशनलाइज कर देते हैं। एक्स टू माइनस आई वाई टू डिवाइडेड बाई क्या, रेशनलाइज जानते हो ना भाई, क्लास नाइन्थ में पढ़े होगे। ऐसे आगे जाओगे तो इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, एक आध दो क्लास के बाद मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तभी फिलहाल आप रेशनलाइज की भाषा में समझे, रेशनलाइज बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। चलिए तब ऊपर का ऊपर से इंटू कर लो, कितना आ जाएगा एक्स वन एक्स टू, ये दोनों इंटू का, तो अब फिर कितना आ जाएगा माइनस आई इंटू एक्स वन वाई टू, सही है, और प्लस आई इंटू एक्स टू वाई वन, सही है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सही है, और आई स्क्वायर वाई वन वाई टू, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, नीचे हो जाएगा क्या एक्स टू स्क्वायर प्लस क्या वाई टू स्क्वायर, वही ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी लगा दिया, सही है। यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो ये बन जाएगा प्लस वन, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू, सही है, और ये दोनों में आई कॉमन ले लो, आई कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा एक्स टू वाई वन, और ये वाला पीछे लिख दो माइनस एक्स वन वाई टू होल डिवाइडेड बाई एक्स टू स्क्वायर प्लस क्या वाई टू स्क्वायर, ये हुआ डिवीजन प्रोसेस, सही है। इस पर क्वेश्चन करेंगे तो और फीलिंग आएगा अपने को, ठीक है। तो आप ध्यान क्या रखोगे, सर कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में क्या है आई आए, तो हमेशा क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए आप, ठीक है, जैसे सिंप्लीफाई, आपको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, थ्री प्लस फोर आई डिवाइडेड बाई टू प्लस थ्री आई, इसको सिंप्लीफाई करना है, चलो ठीक है सर। थ्री प्लस फोर आई डिवाइडेड बाई क्या है टू प्लस थ्री आई, तो हम टू माइनस थ्री आई डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे टू माइनस थ्री आई, सही है, देख लो भाई रेशनलाइज किया हूँ भाई, सही है भाई। अब देख लो ये कितना हो जाएगा भाई, थ्री टू जा कितना हो जाएगा सिक्स, और थ्री थ्री जा क्या हो जाएगा माइनस नाइन आई, और प्लस फोर टू जा कितना हो जाएगा एट आई, और माइनस ट्वेल्व आई स्क्वायर, ऊपर में सिंपल मल्टीप्लाई किया हूँ आप समझ सकते हो, देख लीजिए भाई आराम से। और नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, नीचे भी इंटू करोगे तो ये आने वाला है, ये आने वाला है, ठीक है। अब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना माइनस वन, तो ये प्लस ट्वेल्व, और सिक्स और प्लस ट्वेल्व कितना हो जाएगा एट्टीन, और माइनस नाइन है आई और प्लस एट आई कितना हो जाएगा माइनस आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये थर्टीन हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो एट्टीन बाई थर्टीन और माइनस वन बाई थर्टीन आई, इसका एक्स कितना हो गया एट्टीन बाई थर्टीन और वाई कितना हो गया माइनस वन बाई थर्टीन, सही है, देख लीजिए। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था डिवीजन पे, सही है, मतलब डिवीजन भी करना कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अभी फिलहाल आप इसको पॉज करें और लिख लीजिए आराम से, ठीक है, समझ भी लीजिए।